इतनी लंबी है देखो। फाइनली ये ट्रेन चली गई, बिल्कुल एकदम सन्नाटा सन्नाटा, पूरा मार्केट पूरा एकदम खाली खाली, रोड कोई दूर दूर तक नजर नहीं, और सिर्फ में हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ नौनिहाट रेलवे स्टेशन में, और इधर देखो भैया, हम लोग दोनों आए हुए थे। ये जा रहा है अपना कॉलेज, तो टिकट ले लिया है देख लो, कवि गुरु एक्सप्रेस का। अभी इधर से आएगी भागलपुर से हावड़ा जाने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस, उससे भैया जाएंगे दुमका अपना कॉलेज। तो अभी हम आए थे नौनिहाट रेलवे स्टेशन छोड़ने, तो अब जाएंगे रिटर्न, क्योंकि देख लेते हैं इसको भेज लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि लगभग 10 मिनट में ट्रेन है, तो भेज लेते हैं ना, इसको विदा कर लेते हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे। देखो ये स्टेशन कैसा है, एकदम चारों साइड से देखो जंगल जंगल, एकदम जंगल झाड़, इधर भी देखो आप सामने भी देखो, बिल्कुल एकदम मस्त। तो ये बिल्कुल मस्त रेलवे स्टेशन है, क्योंकि चारों साइड से एकदम जंगल झाड़ है और बीच में बसा हुआ है। और इस स्टेशन का सबसे प्लस पॉइंट जानते हो क्या है, जगह जगह देखो पेड़ लगा दिए गए हैं, इसमें भी प्लेटफॉर्म संख्या 2 में भी देखो वहाँ पे देखो कई सारे पेड़ लगा दिए हैं, यहाँ भी और इस तरह कई सारे और भी हैं। सोचो ये सभी पेड़ यदि बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, स्टेशन पूरा छायादार होगा, मस्त होगा ना। अभी आ जाएगी ट्रेन, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और 5 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी, भैया को बाय बाय कर देंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे घर, और शाम को फिर से आना पड़ेगा हमको रिसीव करने के लिए। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ गई है, एकदम डराने वाली हॉर्न दे रही है, आगे लिखा हुआ है हावड़ा। ठीक है दोस्तों, आते हैं। तो दोस्तों फाइनली भैया ट्रेन में चढ़ चुके हैं, अब वो चले जाएंगे, और यहाँ पे स्टॉपेज है इस ट्रेन का मात्र 1 से 1.5 मिनट। और देखो हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है, और भीड़ तो बहुत ही ज्यादा है यार ट्रेन में, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, देखो ये लोग शायद दूसरे ट्रेन में जाएंगे, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं घर, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, और मुझे शाम में फिर आना पड़ेगा भैया को रिसीव करने के लिए, क्योंकि भैया रिटर्न आ जाएंगे शाम में। देखो फाइनली ट्रेन निकल गई, मात्र 1 मिनट स्टॉपेज था इसका। देखो कितने लोग लटक लटक के जा रहे हैं, कितनी लंबी है देखो। ट्रेन अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है, अब चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, अब कोई लेट हो जाता होगा ना तो वो अब नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखो लास्ट बोगी दिख रहा है यहाँ से, फाइनली ये ट्रेन चली गई देखो। तो चलो अब हम चलते हैं घर भाई, क्योंकि ट्रेन चली गई है, भैया चले गए, अब वो आएंगे शाम में, फिर से हम रिसीव करने आएंगे शाम में इसी स्टेशन पे। तो अब चलते हैं घर, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसा लग नहीं रहा है यार कि मौसम मतलब बरसात वाला फीलिंग कुछ जग नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम गर्मी गर्मी जैसा लग रहा है, और हम नहा के नहीं आए थे तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो चलो चलते हैं घर, और घर जाके भैया को कॉल करेंगे कि भैया कहाँ तक पहुँचे, और आज ट्रेन काफ़ी लेट है यार, लगभग आधे घंटे लेट है, और हम तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी आए कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए, घर में ही काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन ट्रेन ही लेट थी। तो चलो अब चलते हैं घर। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं घर, और भैया जो दुमका पहुंचे और कॉल करके बता रहे हैं कि उसका ट्रेन जो है वो छूट गया, क्योंकि इधर ही कवि गुरु एक्सप्रेस काफ़ी लेट कर दी थी, तो छूट गया, अब बस से जाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों मुझे मस्त अभी खाना मिला है, देखो बाटी में एकदम हल्का सा चावल, और बिल्कुल हल्का सा आलू और बैंगन की सब्जी, जो कि मेरा फेवरेट है, और इधर एक गिलास पानी। 5 hours later. तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं आया हुआ था फील्ड के तरफ, और नीचे भी देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खेत के आर होता है ना जिसे पगडंडी कहते हैं, उसी में मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ। और अक्सर गांव के लड़के आया करते हैं शाम को फील्ड के तरफ फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, तो मैं ऐसे ही आया, थोड़ी देर फील्ड में बैठ लिया, इसके बाद अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि भैया का कॉल आया था, वो बोले कि अभी हम निकल रहे हैं,
तो थोड़ी देर बाद जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए, तो शाम भी होने वाली है। चलते हैं घर, थोड़ा नाश्ता करेंगे, इसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों हम फाइनली घर से निकल गए थे फील्ड से आने के तुरंत ही, और हम पहुंच गए हैं अभी नौनीहाट, और अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। देखो पीछे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पार हो रही है, और भैया अभी आधे दूर पहुँच गए हैं। तो चलो भैया का वेट करते हैं, यहीं पर रुकते हैं, देखते हैं कितने देर में आते हैं, इसके बाद साथ में चलेंगे घर। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं, और मैं अकेले देखो सुनसान सड़क में एकदम घूम रहा हूँ। अभी मैं हूँ नौनीहाट में, और कोई भी नहीं है एकदम। एक दो दुकान मेरे बगल में, जो पीछे एक दुकान है वहाँ पे खुला हुआ है, तो इसलिए मैं अपना बाइक वहाँ पे लगा दिया हूँ। देखो बिल्कुल एकदम सन्नाटा सन्नाटा पूरा मार्केट, पूरा एकदम खाली खाली रोड, कोई दूर दूर तक नजर नहीं, और सिर्फ मेरा बाइक यहाँ पे देखो खड़ी है। एक शॉप यहाँ पे खुली है, बाकी सभी दुकानें बंद है। रुक रुक के एक दो गाड़ियाँ आ जा रही है। फाइनली यही वाले बस में भैया आ गए। बस चली गई, कैसा रहा सफर? चलो फाइनली भैया आ गए हैं, अब चलते हैं घर, क्योंकि काफी लेट हो गया है। लेट करेंगे, टायर पंचर हो गया था, उसपे 2 घंटा लगभग लग गया, इसलिए लेट हो गया आने में। इधर मम्मी खाना लगा रही है, मम्मी भी सो गई थी। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।